अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करता हूँ सब खैर खरीद से होंगे। तो आज का नया ब्लॉग शुरू करते हैं। आज 8 फरवरी इलेक्शन का दिन है, इलेक्शन की तफरी शफरी लगी हुई है, बच्चे गली में खेल रहे हैं क्रिकेट। हैं आज नहीं गए स्कूल? नहीं आज है। अच्छा जी, तो देख सकते हैं इलेक्शन का दिन है, आज तफरी शफरी लगी है। इमरान खान की वोटर जिधर बैठे हुए हैं, ये हमारे थोड़े वाले हैं। लाओ जरा खान साहब को बीच में लाएं। ये खान साहब जी, ये गा खान साहब हैं। वो किसका लगा हुआ है? वो ना मलक नून लीग का। अच्छा, वो नून लीग के मलक है। कुछ कहेंगे नहीं, कुछ कहेंगे नहीं, पता नहीं लगे अगले दिन हम ही उठाए जाए। ऐसा ही है, मेरे वाले साहब की दुकान है ये, हम ही बैठे। अस्सलाम वालेकुम। अबू क्या हाल है? ठीक है, तभी ठीक है, खैर खैरियत से आप सही हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो सीन इस तरह है कि वाले साहब की दुकान में थोड़ा सा काम है, पेंट शेंट करवाना था। ये हमने नया बोर्ड बनवाया, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। चले हम फिर ये काम ख़त्म करने के बाद ना फिर हम आपको आगे के सेटअप बताएंगे। फिलहाल ये काम हम लोग क्लियर करा लेंगे, बोर्ड है, इस बोर्ड को मैंने पेंट करना है। तो आफ्टर एंड through the highways till my shadow turns to sun rays and on we'll go through the wastelands through the highways and on. ये हमारे वाले साहब इसलिए करते हैं कि वो कहते हैं कि बारिश में कहीं ये गीला ना हो जाए। जब गीला हो जाएगा तो जहरी बात है, ये जंग लग जाएगा। तो जंग लगाने से बेहतर ये है कि आप उसके ऊपर जब भी कभी भी आप ऐसी शीट बनाएं तो इसके ऊपर आप पेंट लाजमी किया करें, क्योंकि पेंट से जब ये होता है कि जब बारिश होती है तो पेंट से ये कवर हुआ होता है, तो ये कभी जंग नहीं लगता। अक्सर लोग बोर्ड लगवा देते हैं बाद में हो। हर मर्ज का इलाज है, हर मर्ज का इलाज है। तो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमने पेंट सारा कर दिए, ठीक है, और बस ये पेंट शेंट हो गया, शाम को ये सूख जाएगा, उसके बाद इसके बाद बैनर लगेगा, वो बैनर भी हम आपको रात को दिखाएंगे इंशाल्लाह से, ठीक है। टाइम हो गया नमाज का, 1:45 में नमाज होती है, तो अब वो पहले ही चले गए मस्जिद, तहरीक मस्जिद गए हैं, वो लोग कहते हैं मैं उधर जाऊँगा थोड़ा सा सबक शबक पढ़ना है। तो गाइस ये हमने सारा कुछ आज का हम आपको दिखा दिए, जो जो डेली डेली के जिस तरह भी व्लॉग आएंगे, जो भी आएगा डेली
मैं आपका भाई डेली व्लॉग लेके आऊँगा इंशाल्लाह से। मैं मंडी में काम करता हूँ, मैं मंडी का भी सारा व्लॉग लेके आऊँगा इंशाल्लाह से। ठीक है गाइज, आज का थोड़ा सिस्टम यहीं तक स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट जो शाम को होंगे बकाया दोस्तों से मिलेंगे, रात को जो आएंगे। मीट माय फ्रेंड, अब मीट माय फ्रेंड मुजम्मिल जी, क्या हाल है मुजम्मिल? ठीक हो? किधर निकले हो? वोट शोट कब दिए? वोट दिए किसको? वोट नहीं दिया, दिखा किसको दिए? खान हो जी जी यार, बस कल से स्टार्ट किए। छक्का मारे, छक्का मारते हैं नहीं लगता, देख लेते हैं। बास निकाल गई है कि बाहर आओ, सिग्नल तो काम नहीं कर रहे, पर व्हाट्सएप पे मुझे रब्ता किया है। कौन खड़ा है? अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी पादी भाई, क्या हाल है? ठीक हो? मोबाइल शबाज अभी तक नहीं आया, उसकी आदत वही है कि 10-15 मिनट इंतजार कराता है बंदे को, तभी वो आता है, अभी तक आया नहीं है वो। चलो खैर इंतजार करते हैं, फादी भाई से मिलते हैं। हेलो जी, हेलो जी, कौन आया? व्लॉगर आ गए। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हो? फेमस फेमस पर्सनालिटी यार। शाहजी आपके बिल्कुल ये आने की टाइमिंग कोई पता ही नहीं है, 10-15-20 मिनट इंतजार करके व्लॉग किधर बना रहे हो? वो आज वोट के दिन, आज इलेक्शन के दिन ही तो हमने बनाया ना कि आप कौन कौन किस किस पार्टी से हैं जी, आप तो बातें ही नहीं रही, बातें वो नहीं रही। देखो जी, देखें और स्कूल में वोट के जोरों दौर से परमिशन हो रहे हैं वोट के लिए, ठीक है, हर जगह पे, जगह बाय जगह। आए थे कोहिस्तान इंक्लेव, ठीक है, लेकिन कोई मज़ा ही नहीं आ रहा, वीडियोस नहीं है। क्या हो जी? क्रिप्टो करेंसी चार दिहाड़े से गायब, सुन आज कहीं पता लग गया है कि कैन बंद है थे भाई, ऐसा कॉल आ गया नहीं। शाह जी यार सीन इस तरह है कि कोहिस्तान तो आ गए हैं, लेकिन यार इनका वीडियो शीडियो बनाने का इतना खास दिल क्यों नहीं है, क्योंकि आवाज़ चल रही है, बाल शाल सारे ख़राब हो रहे हैं, तो मैं और शिबाज जरा पुराने ऑफिस तक जा रहे हैं। क्या होनी चाहिए? चलो ये है कोहिस्तान इंक्लेव, माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी सोसाइटी है ये हमारी, वाकन की हम भी के ऐसे मुजम्मिल जी बात सुने। चलिए जी शेरा, कैसा लगा मेरा मजाक? बॉस बोलो, बॉस दरवाजा खोलो। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? लंडे का कोट बना आपने है यार बॉस? नहीं वो वाकई वो देखो शहर से फटा हुआ है ना, मैं तभी तो से पूछ रहा हूं। आप बेइज्जती कर रहे हैं, मैं बेइज्जती नहीं कर रहा, मैं पूछ रहा हूं ऐसी कोट कैसी आसी थी, कैसी ऑन द ऐसा पता लग सी क्या पता। सीन इस तरह है कि मैं अभी इधर अंदर जाऊंगा ना, तो मैं इन सबको बोलूंगा कि पीटीआई जिद गई हो है, वैसी प्रैंक करूंगा, देखूंगा अभी अभी वोट की लिस्ट तो आई नहीं है कि भी क्या सीन है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा जाऊंगा। चलो जीत गई है पीटीआई, नौसर से जीत गई है, जीत गई है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है कराची का घटना आपको बताने लगे, जो कि लास्ट टाइम पीटीआई ने जीत लिया था और एमसीएम को हराया था यहाँ पे 6-7 हजार वोट से। अब इस दफा की यहाँ की क्या जरूरत है आपको बताते हैं, दिखाई आइए। बिजली चली गई,
समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। धांधली हो गई, धांधली हो गई, ये देखो प्रैंक हो गया हमारे साथ, धांधली हो गई जी, चली गई, और कोई ना कोई चक्कर हो सी, धांधली और कोई ना कोई चक्कर हो सी, धांधली हो गई जी बाबा, प्रैंक हो गया, और क्या पता पीटीआई जिसकी। भाई साहब ने देखा तो होगा कि अभी थोड़ी देर पहले बिजली चली गई थी, ठीक है, इलेक्शन का फाइनल फैसला अभी तक हुआ है नहीं हुआ इसका कोई कंफर्म नहीं है, कौन जीतेगा कौन हारेगा इसका भी कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह इंशाल्लाह अगर जीत हुई तो इंशाल्लाह खान की तरफ। अपने दोस्तों में से किसी के साथ प्रैंक करना है, ठीक है, तो आप कमेंट में लाजमी बताएं कि मैं किसके साथ प्रैंक करूँ, कैसा प्रैंक होना चाहिए, ये भी मुझे आप लाजमी बताएं। उन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जाकर सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक कमेंट लाजमी। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।